मेल से मिली एयरपोर्ट को अथॉरिटी को धमकी, 15 दिन में दूसरी बार मिली धमकी। भोपाल में एक बार फिर राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। यह कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह की धमकी राजा भोज एयरपोर्ट को मिली हो। इसके पहले 29 अप्रैल को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला था। उस समय देश भर के करीब 50 जगहों के नाम थे, लेकिन रविवार को एक बार फिर CISF की मेल पर एक धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम अधिकारी मामले की शिकायत को लेकर गांधीनगर थाने पहुंचे थे। मामले की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने कहा कि 12 दिन पहले इसी तरह की धमकी मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एयरपोर्ट की ब्रेकिंग की गई, जिसमें पाया गया कि इस तरह की कोई भी चीज एयरपोर्ट के अंदर नहीं है जिससे कोई घटना हो सके। इस प्रकार की धमकी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जो लोग लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, अधिकतर उसमें से बाहर उसमें आते हैं और स्टेट पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि सेट BTAC में स्टेट यहाँ के लोकल थाना प्रभारी भी रहते हैं, तो बाहर के एरिया में वो भी क्रॉस चेक करते हैं कि अगर इस टाइप की घटना है तो उससे न हो पाए। एयरपोर्ट के अंदर हम सुरक्षित करते हैं। पहले मेल आया था, अलग अलग आईडी से दोनों है, हमने पहले दोनों वाले की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो वो लोग चेक कर रहे होंगे साइबर उसके हिसाब से कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। वो उसकी आधिकारिकता हमारे पास में नहीं है, तो वो हमने उनको इन्फॉर्म किया है, होपफुली जैसा आएगा वहाँ वैसा किया जाएगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या निकल रहा है? पुलिस की इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि साइबर एक बहुत इस टाइप के ट्रेस करना इमीडिएट पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर इंडियन उसमें सोता तो जल्दी हो जाता, लेकिन बाहर से आता है जिसमें कई बार कठिनाई आती है। तो शायद बाहर से ही थे, मोस्ट प्रोबेबली आई कैन से बाहर से थे। किसी ग्रोह का नाम कुछ नहीं वैसे लिखे हैं जो कि ग्रोह मतलब संस्थित नहीं है लगते हैं, इसलिए ऐसा कह नहीं सकते कोई पर्टिकुलर ग्रोह का नाम जिसको हम लोग जानते हैं। सर 15 दिन में दूसरी बार एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी आ रही है, कुछ जानकारी? इसमें इसके पहले 12 दिन पहले एक एयरपोर्ट डायरेक्टर के मेल पे आई थी धमकी, दूसरा कल एक CISF के मेल में आई थी धमकी। पिछली बार भी लगभग 50 एयरपोर्ट के नाम थे, कल वाले में 11-12 एयरपोर्ट के नाम थे। अब क्योंकि धमकी आई थी तो जो हमारे सेट प्रोटोकॉल्स हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट को उसको करने के लिए, बम थ्रेट एडवाइजरी कमेटी एक होती है जिसकी मीटिंग हमने तत्काल जैसे ही संज्ञान में आया वैसे ही कंडक्ट करी, और कंडक्ट करके उसके सेट प्रोसीजर्स होते हैं चेक करने के लिए कि क्या क्या आपको चेक करना है। वो चेक करके और पूरा रेकिकेग एयरपोर्ट को भी देखा गया, और देखने के बाद ये पाया गया कि ये नॉन स्पेसिफिक कॉल है, कई एयरपोर्ट के नाम है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा था नहीं। हालांकि क्योंकि ये थ्रेट आई थी, इग्नोर नहीं कर सकते किसी चीज को, वी आर वर्किंग ऑन द जीरो एरर। उसके तहत जो सुरक्षा व्यवस्थाएं और मजबूत करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जैसे सेकेंडरी लेडर प्वाइंट चेक है, ये सब चीजें वहां पे हमने चालू कर दी है, रैंडम चेकिंग बढ़ा दी है, और लगभग 24 घंटे तक इसके सतत निगरानी करेंगे, इसके बाद रिव्यू करेंगे इसको।